तो अब आपको अगली खबर का बारे में बता दें। ईरान में बंदूकधारी प्रदर्शनकारी अब धार्मिक पुलिस और ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के अधिकारियों को निशाना बना रहे हैं। आज दूसरे दिन भी एक धार्मिक पुलिस अधिकारी की हत्या कर दी गई। रिपोर्ट देखिए। ईरान में महसा अमीनी की हत्या ने रईसी सरकार को हिलाकर रख दिया है। अब हालात ये हैं कि प्रदर्शनकारी बंदूक लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं और धार्मिक पुलिस के अधिकारियों को निशाना बना रहे हैं। सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में आज फिर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड हामिद रजा हाशमी की गोली लगने से मौत हो गई। हामिद ईरानी सेना में इंटेलिजेंस ऑफिसर थे। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने अपने बयान में कहा कि हामिद की आतंकियों ने हत्या कर दी है। इससे पहले IRG के सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत के खुफिया प्रमुख अली मौसवी की प्रदर्शनकारियों ने कल गोली मारकर हत्या कर दी थी। मौसवी ईरान की धार्मिक पुलिस प्रमुख थे। धार्मिक पुलिस देश के हिजाब समेत शरिया कानून के नियमों को पालन कराती है। ये बंदूकधारी सरकार के खिलाफ एंटी हिजाब मुहिम का हिस्सा है जो खुलकर हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। महसा अमीनी की हत्या के बाद से ईरानी महिलाएं अपने बाल काट रही हैं और हिजाब जला रही हैं और अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प हो रही है।